बिगड़ जाता। हर बार ऐसा ही होता, कभी आप चाची से लड़ाई कर लेते हो, कभी मनु चाचा जी से कुछ कह देता, और कभी मम्मी कुछ कर देती। जब मैंने कुछ करा ही नहीं तो मैं क्यों सहूंगी? सिमी, क्या कर रही है तू? नहीं मम्मी, लेकिन बच्ची है वो, उसे भूख लगी थी ना। गुंजन, आइंदा से ऐसा नहीं करना। चल तू खा, तूने कुछ नहीं खाया ना, बैठ। मनु खा। मम्मी मैं खाकर आया हूँ। मैं खाकर आया हूँ, आप लोग खा लो, मैं अभी आता हूँ। नहीं मनु, तू हार नहीं सकता। तूने कुछ नहीं खाया ना, मम्मी से झूठ बोला ना? नहीं मम्मी, मैंने खाया है, सच्ची। हम सबको खाना खिलाने के लिए खुद भूखा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकती। रोइए मत, बस आप दोनों दीदी को कहिएगा वो लड़े ना आपस में। हम ही तो एक दूसरे की शक्ति है, अगर हम टूट जाएंगे तो हम हार जाएंगे ना, कैसे जीत पाएंगे? इसी ताकत को तो तोड़ने आए हैं बेटा, एक बार तुम मैं फूट पर गई ना, तब देखना हमारे मेहमान जी का ऐसे साहा बनते हैं। चिल्लाओ, मचाओ शोर, फिर बेहोश होके गिर जाना, ताकत जो नहीं है तुम्हें, और कुछ खाना भी नहीं खाया है। और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूं। क्या पता इसमें जहर मिला दिया गया हो, बाजवाओं पे भरोसा नहीं कर सकती ना। सिमरन, ये खाना मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, तुम ऐसे नहीं बोल सकती। उस दिन मेरी मम्मी की मजबूरी थी। मजबूरी? क्या मजबूरी? रमन, तुम्हारी मम्मी की गवाही की वजह से ना आज हम सबकी ये हालत हुई है। मेरी मम्मी सो भी नहीं पाती, खाना पीना तो दूर की बात है, पर तुमने कितने आसानी से कह दिया ना कि मजबूरी थी। इतनी आसानी से जितनी आसानी से तुम मान गई थी उस लुच्चे के साथ शादी करने के लिए। मजबूरी किसी के भी सामने आ सकती है सिमरन, मेरी मम्मी के भी सामने आई। मैं समझ सकता कि इस समय तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये खाना मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार के लिए है, एक दोस्त के खातिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जलसा तो होना चाहिए भाई,
वो कहा है कि दुनिया वही जानती है जो हम उसे बताते हैं। आप मेहमान जी सबको बोल दीजिएगा कि आप शाह बनने वाले हैं। आज नहीं माने, कल नहीं माने, आखिर में तो मान ही जाएंगे ना लोग। ओ हमको देखे, हम तो तैयारी करने में लग भी गए। और सुनिए तो, थोड़ा जाके अपने भौजाई से बात कीजिएगा, जरूरी है। मैं उस अम्बा से बात करूं। मेहमान जी, थोड़ा दिमाग को सेंटरवा में लाइएगा भाई। वो भौजाई लगी आपकी। बात क्या करूंगा उससे? मैं देखती हूँ, रुक। जाई और देवर हूं तेरा, भूत नहीं हूं। तो क्या लेने आया यहां पर? अब तुझसे क्या लेना? तेरे पास कुछ देने लायक बचा? तरस आ गया था तुझ? ऐस करके लेने नहीं, देने आया हूं। न्योता, तेरे बच्चों को खाने के लाले पड़े हुए ना, तो बस मदद करने आया था तेरी। लेकिन तू तो मदद लेने से रह, तुझे तो भीख लगेगी ना। वो अकड़ बड़ी है तेरे में, ऐस करके काम देने आया तुझे। मेरे घर में आके काम कर ले और खाना ले ले। क्या है ना, जलसा रखा हुआ मेरे शाह बनने की खुशी। चालीस बार एक ही बात दोहराने से और झूठ बोलने से वो बात सच नहीं हो जाती। अब तक तो शाह नहीं है। मेरे जलसे का चौका और बर्तन तू देख लेना, उसके बदले में खाना मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या है ना, गांव में और कोई काम तो देने वाला है नहीं तुम्हें। होना क्या है, तेरे ये बच्चे आज रात भी भूखे ही सोएंगे। बीजी के बारे में मन्नू को पता लगेगा एक सच। जब बीजी को होश नहीं है तो ये क्लास बाहर कैसे आया? इधर सुशीला के कहने पर अपनी शाहपोशी में जगन एक बार फिर पूरे गांव के सामने करेगा अम्बा और उसके परिवार को बेइज्जत करने की साजिश। मैं तो मिलेगी बची हुई छुट्टन। जगन की साजिश जान चुका मन्नू करेगा अपनी माँ से एक वादा। अब हम पहलाने वाला खाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। क्या इस बार जीतेगी जगन की साजिश या एक बेटी का अपनी माँ से किया वादा? जानने के लिए देखिए वारिस।